ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। अंदर हो रही है शादी और बाहर बाहर एक एक करके सारे देवों की मौत, जिनकी आत्माओं को कैद करके मैं हिरण्यकश्यपों को भेंट करके फिर से जीवित करूंगी। ये तो एक तीर से दो निशाने लग गए। अब नरक का द्वार खुलने से कोई नहीं रोक सकता। महागुरु, इस तरह तो हमारे सारे देव रक्षकों का नाश हो जाएगा और हम ये विवाह भी रोक नहीं पाएंगे। ओम नमः विष्णु देवाय नमः। अब हम और देव रक्षकों की आहुति नहीं दे सकते। यह कोई आम काली शक्ति की अग्नि नहीं है। इस रेखा का उल्लंघन करना संभव नहीं है। हमें लौटना होगा। लेकिन महागुरु, वो विवाह, ये विवाह ना रोक सके हम आनंदी। इसमें भी शायद श्री विष्णु की कोई इच्छा होगी। लेकिन वैष्णवी की हत्या को रोकना होगा, अन्यथा ये क्या होने लगा मुझे अचानक? एक शक्ति मेरे अंदर, कहीं आनंदी ने जो कहा मेरे अंदर नरसिम्हा की शक्ति तो नहीं आ गई? अभी शादी की रस्म पूरी भी नहीं हुई और वैष्णवी की शक्ति उभरने लगी, जो धीरे धीरे परवान चढ़ेंगी और फिर मेरे सिंदूर लगाते ही वैष्णवी की सोई शक्ति जागने लगी है, जिसके लिए मैं उससे शादी कर रहा हूं। वो घड़ी करीब आने वाली है जब मुझे रवि से ये सोचकर मेरे अंदर बेचैनी कैसी, जैसे मैं कुछ खलक कर रहा हूं। खुश रहो। खुश रहो बच्चों। खुश रहो। बेटा, एक बात याद रखना, शादी के बाद जो पहली रात होती है वो काल रात्रि होती है। ये रात दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। अरे संतन जी, आप निश्चिंत रहिए, हमारे घर में तमाम रीति रिवाज और परंपराओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ख्याल रखना बेटी। Thank you.
वैष्णवी बेटा, तुम थक गई हो गई, जाओ अंदर आराम कर लो। शादी संपन्न हो गई तो आज रात ही मेरे भाई को उस वैष्णवी से मिलन करना होगा और उसके प्राण लेकर उसकी सारी शक्तियां लेनी होगी, ताकि आज ही नहीं पुत्र, आज काल रात्रि, आज यतीन और वैष्णवी नहीं मिल सकते। मनुष्य की रस्में हम कब से मानने लग गए? जहाँ इतने हजार साल इंतजार किया है वहाँ थोड़ा वक्त और सही। औलाद को कमजोर मत समझना, इसलिए जो करना है वो आज करो। हिरणा कश्यपु, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा उपहार लेकर आई। ये देखो, इस मकड़े में 108 देवताओं की आत्मा है जो विवाह रोकने के लिए आई थी, लेकिन मेरी काली रेखा के आगे खाक हो गई। धन्य हो माता दीदी, लेकिन प्रहलाद से चकोने रहना। उसकी तैयारी मैंने पहले से कर ली है हिरण्यकश्यप। एक अदृश्य पिशाच को बुलाकर, जो अदृश्य है, जो खास तौर पर वैष्णवी पर निगरानी रखने के लिए तैनात है। अदृश्य पिशाच जब तक हमारी योजना पूरी नहीं हो जाती तब तक वैष्णवी पर नजर रखेगा, और अगर इसी बीच किसी देवी या देवता ने वैष्णवी से मिलने की कोशिश की, उनकी मौत हो जाएगी। ये आंखें, ये क्या? कलश यहां पे कैसे आया? तो बाहर था, कमरे में कोई आया भी नहीं। फोटो भेजने में इतनी देर? जो करना है कल नहीं, आज ही करना होगा। तुम कैसे भी करके वैष्णवी को मार दो। आज काल रात्रि है, मैं वैष्णवी को कैसे मिल सकता हूँ? तुम्हारे भाई का आदेश है और वो ठीक ही कह रहा है। ये नियम कानून रीति रिवाज ये सब इंसानों के लिए होते हैं, असुरों के लिए नहीं। कैसे भी करके बस वैष्णवी का किस्सा खत्म कर दो, ताकि हम असुरों का नया अध्याय शुरू हो सके। क्या हो रहा है? तुम भूल कर भी उस दैत्य से विवाह मत करना।
उसे तुम्हारे अंदर की दैवी शक्ति चाहिए, तुम्हारे अंदर की दैवी शक्ति विवाह के बाद ही पूर्ण तरह से जागृत होगी। आनंद की पहली बात तो सच हो रही है। विवाह की पहली राह वो तुम्हें मार देगा। इसका मतलब उसकी बाकी बातें भी, यानी यतन राक्षस। यतन, जिस उद्देश्य के लिए तुमने जन्म लिया है उसे पूरा करो, ऐसा ना हो प्रह्लाद का यज्ञ तृतीय रेखा नक्षत्र की दशा बदल दे। उससे पहले तुम्हें वैष्णवी की सारी ताकत बटोर कर उसे मार डालना होगा। यही तुम्हारे भाई का आदेश है। ये लो, मेरा और तुम्हारे भाई का आशीर्वाद तुम्हारे समय।